भारी पुलिस बल की तैनाती इस वक्त मौके पर की गई है। एहतियात के तौर पर सतारा में इंटरनेट सेवा को भी फिलहाल बंद किया गया है। दोस्तों, G20 के नाम पर हम लोग हवा में बहुत उड़ लिए, तमाम तरीके के सपने जो हैं वो देशवासियों को दिखा दिए गए, पर अब हकीकत में हम लोगों को जीना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जो तस्वीरें महज G20 के खत्म होने के कुछ ही घंटों बाद आ रही हैं, उस तस्वीरों पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। और जो चीज करके सत्ता हासिल की, वही चीज जो है दोबारा से शुरू कर दी गई है, जहां दुनिया और देश के लोग जो हैं चीख चीख करके सवाल खड़े कर रहे हैं, जहां चुन चुन करके मुसलमानों के घरों को निशाना बनाया जा रहा है, चुन चुन करके मुसलमानों की दुकानों को निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। और ये ताजा तस्वीरें कहीं और से नहीं बल्कि महाराष्ट्र से सामने आ रही हैं, जहां महाराष्ट्र के सतारा में देखते ही देखते हिंसक झड़प हुई। हिंसक झड़प कब उग्र भीड़ बनी और कैसे उग्र भीड़ चुन चुन करके मुसलमानों के घरों और दुकानों को निशाना बनाने लगी, ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। पर कहीं गोदी मीडिया में जिक्र नहीं है कि मुसलमानों के घरों और दुकानों को निशाना बनाया जा रहा है, कहीं इस बात के बारे में नहीं बताया जा रहा कि महज कुछ ही घंटे पहले G20 सम्मेलन खत्म हुआ है, पर ये तस्वीरें देश से आना शुरू हो गई हैं, जहां आप देखें कि दैनिक भास्कर लिखता है कि सोशल मीडिया पर छत्रपति शिवाजी के खिलाफ पोस्ट, हिंसा भड़की, महाराष्ट्र में पथराव, आगजनी, 2 की मौत, 8 घायल, इंटरनेट सेवाएं बंद। हिंसा इतनी भड़क गई कि 2 लोगों की मौत हो चुकी है, इंटरनेट सेवाएं बाधित कर दी गई हैं और जगह जगह जो है रह रह करके आगजनी की खबर आ रही है। इन तस्वीरों के बारे में गोदी मीडिया पूरी तरीके से छुपाने की कोशिश कर रहा है, जहां वहीं एबीपी न्यूज में लिखता है कि सतारा रॉयट्स, महाराष्ट्र के सतारा में तनाव, 2 समुदायों में पथराव, आगजनी, इंटरनेट सेवा बंद, क्यों भड़की हिंसा। ये तस्वीर जो है वो सामने है कि कैसे तमाम चीजें जो है वो सामने आई हैं, जहां देखते ही देखते हिंसा भड़क गई। पहले पेज पर मैंने आपको दिखाया कि गोदी मीडिया में कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि मुसलमानों को निशाना बनाया गया, पर सोशल मीडिया यूजर्स जो हैं वो तमाम तस्वीरों को बारीकी से लिख रहे हैं, दिखा रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि अचानक कैसे ये हिंसा भड़क गई। जहां आप देखें कि सोशल मीडिया यूजर्स दी मुस्लिम लिखता है कि लोकेशन पुलिसा वाली गांव सतारा महाराष्ट्र की है, हिंदू भीड़ ने किया मुस्लिम दुकानों में मकानों को आग के हवाले, हिंसा में 1 की मौत, 7 घायल। जो कि तस्वीर आपके सामने है कि मुसलमानों की घरों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया क्या। वहीं मुस्लिम स्पेस सोशल मीडिया यूजर्स पर एक पेज वो साफ तौर पर बताता है कि सतारा में हिंसा भड़की, आगजनी, 1 की मौत, 7 घायल। झड़पें सतारा जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर और पुणे से 160 किलोमीटर दूर स्थित पोसिस वाली गांव में हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सोमवार सुबह 2 गुटों के बीच एक झड़प हुई थी, जहां अधिकारियों के मुताबिक कई घरों और दुकानों को क्षतिग्रस्त किया गया है। एहतियाती पर हमने जिले में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया है। यहां घरों और दुकानों पर हमले की खबरें बताई जा रही हैं, मुसलमानों और के घरों और दुकानों को निशाना बनाया गया है। सतारा जिला में पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि क्षेत्र के एक मुस्लिम समुदाय के कुछ युवाओं द्वारा सोशल मीडिया पोस्ट के कारण रविवार रात लगभग 9:30 बजे हिंसा भड़क गई। पुलिस बल तैनात किया गया और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। एहतियात के तौर पर इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, जहां मुस्लिमों को लेकर के एक बवाल खड़ा किया गया। तमाम संगठन के लोग पहुंच गए मुसलमानों के घरों और दुकानों पर हमला करने।
ये राइट्स किसने दिया कि ये जगह जगह जाकर के इस तरीके से दंगे फसाद फैलाएं, जो कि तस्वीर सामने आ रही है। और बीते कुछ महीने कुछ सालों में जिस तरीके से महाराष्ट्र में एक के बाद एक भगवा रैली हुई, ये उसी नफरत का नतीजा है जहां मुसलमानों के खिलाफ जी भर करके जहर उगला गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पोस्ट करने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया गया, इलाके में हालात कंट्रोल में है। सतारा के डीएम ने अपील की कि लोग सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट ना करें जिससे तनाव पैदा करें, जो कि तस्वीर आपके सामने है। तो वहीं जावेद किची लिखते हैं कि महाराष्ट्र में गुंडे फिर नफरत के नाम पर आग फैला रहे हैं। सतारा की घटना के बारे में जिक्र किया जा रहा है जो कि तमाम जगह से मीडिया से गायब है। किस तरीके से आगजनी की गई है, ये तस्वीर आपके सामने है जहां ये बताया जा रहा है कि किस बात को लेकर के हुई झड़प। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कथित आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर रविवार को महाराष्ट्र के सतारा जिले के खटाव तालुका में सांप्रदायिक झड़पें हुई, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया और कई घरों में आग लगा दी गई। अधिकारियों ने बताया कि सतारा जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। क्या बोले हैं अधिकारी, ये तस्वीर भी आपके सामने है जहां उन्होंने बोला कि रविवार सुबह 9:30 बजे ये हिंसक झड़प देखने को मिली थी। तकरीबन कल सुबह 9:30 बजे हुई और आज चुन चुन करके दुकानों और घरों को निशाना बनाया गया है, जो कि तस्वीर आपके सामने है कि तमाम दुकानें बंद कर दी गई, पुलिस प्रशासन का बैरिकेड। ये तस्वीर गवाही दे रही है कि कैसे निशाना बनाया गया, जो कि 10 सितंबर की रात एक समुदाय ने दूसरे समुदाय के लोगों के घरों पर पथराव किया, जिसके बाद वहां हिंसा भड़क गई। एक समुदाय के लोगों ने, हिंदुत्व भीड़ ने, जो ठेकेदार बने घूम रहे हैं उन लोगों ने एक समुदाय, या दैनिक भास्कर को मुस्लिमों के घरों पर हमला हुआ ये लिखने में भी शर्म आ रही है, जो कि आप देखें कि कैसे दुकान को निशाना बनाया गया, बाइक चलाई गई है, तमाम तस्वीरें हैं। ये ऐसे समय पर तस्वीर आ रही है कि G20 के मेहमान अभी तक देश से पूरी तरीके से विदा हुए नहीं, इंटरनेशनल मीडिया का जमावड़ा देश में लगा हुआ है और सतारा में हिंसा भड़क गई, जो कि तस्वीर आपके सामने है जहां पुलिस ने पोस्ट करने वाले व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। घटना के दौरान मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि लगभग 1000 लोगों की भीड़ ने गांव में पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और आगजनी की। उन्होंने सड़क किनारे खड़े वाहनों में भी आग लगा दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद सतारा के SP समीर शेख पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद हालात नियंत्रण में है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पोस्ट करने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। जहां बस्ती में घुसा जाता है, घरों पर दुकानों पर हमले होते हैं, जो वाहन सड़क पर खड़े होते हैं उसे आग के हवाले कर देते हैं, और 1000 की संख्या में जो दंगाई हैं वो चुन चुन करके निशाना बनाते हैं। पोस्ट करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या सोशल मीडिया फुटेज के आधार पर उन दंगाइयों की भी पहचान करके पुलिस प्रशासन उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डालने की कोशिश करेगा, जहां महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। शांति बनाए रखने की अपील जो है वो खासतौर पर की जा रही है। जहां सतारा सांसद ने शांति बनाए रखने की अपील की, सतारा से सांसद श्रीनिवास पाटिल ने सरकार से हालात को नियंत्रण रखने, अतिरिक्त कदम उठाने को कहा। पाटिल ने कहा, यहां जो कुछ हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, मेरी अपील है कि सभी लोग शांति बनाए रखें, अफवाह पर ध्यान ना दें। ये बात जो है सतारा के सांसद द्वारा कर दी गई है। आपको देखना चाहिए कि इस पर संजय रावत ने क्या कुछ कहा है। एक तरीके से उन लोगों को आईना दिखा दिया है जो ऐसी हिंसा करा करके सत्ता में बैठ करके फायदा उठाना जानते हैं, और संजय रावत ने ऐसे लोगों के मुंह पर करारा तमाचा जड़ा है। और सतारा हिंसा पर बड़ा बयान संजय रावत ने दिया,
जहां महाराष्ट्र के सतारा में दो समुदायों के बीच हुई हिंसा को लेकर संजय रावत ने कहा, हमने पहले ही कहा है कि 2024 से पहले ये लोग यानी कि बीजेपी न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश में जाति और धर्म के आधार पर दंगे भड़काएंगे, और अब इन्होंने यहां शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि सतारा में जो भी हो रहा है उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। आपको बता दें कि रविवार की सुबह 8:30 बजे ये हिंसा शुरू होती है। आज रविवार और रह करके तस्वीरें सामने आ रही हैं कि कैसे चुन चुन करके मुसलमानों को निशाना बनाया गया है, और कब तक ये तस्वीरें हर जगह से सामने आती रहेंगी ये भी बड़ा सवाल है। हर एक तस्वीर हर एक पहलू से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।